वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं आपको हमारी इस सीरीज एक्सेल फॉर बिगिनर्स का जो फाइनल प्रोजेक्ट है उस फाइनल प्रोजेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ कि किस तरह से हम ये एक इनक्रेडिबल इनवॉइस सिस्टम इस सीरीज के एंड पे बना रहे होंगे एज अ फाइनल प्रोजेक्ट। तो फाइनल प्रोजेक्ट जो हमारा है उसके इंट्रोडक्शन से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हमें इसको क्यों सीखना है और हमें क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहली और सबसे छोटी जो बात है वो ये है, देखिए अगर ये सारी चीजें मिसाल के तौर पे आपके पास कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उसकी आपने कितनी इनवॉइसेस काटी हैं, उन इनवॉइसेस के डेटा को मैनेज करना है, कौन सी पार्टी ने कितने पैसों का स्टॉक परचेज किया है, उस स्टॉक के बदले में उसने कितनी पेमेंट की है, और अगर आपने पिछले 6 महीनों की सेल्स का ट्रेंड देखना है तो वो किस तरह से आप उसको देखेंगे। अगर इन सारी चीजों को आप मैन्युअली मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बहुत मसले होने वाले हैं। आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी, टाइम इज मनी। तो अगर आप ये सारी चीजें मैनुअल मेंटेन कर रहे हैं तो आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगता, एक क्लास सैटरडे को आएगी और एक क्लास संडे को आएगी। मैक्सिमम क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट से लेके 20 मिनट्स, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने बस ये करना है कि कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है वही सक्सेस की की है। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, सैटरडे संडे को 10-15 मिनट के लिए जो वीडियोस आ रही हैं उनको देखना है। तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरी आपसे कमिटमेंट है कि ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इस इनवॉइस सिस्टम को भी बना सकेंगे और इस इनवॉइस सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनको हम इस सीरीज से हट के जो मेरे चैनल पे चीजें आ रही हैं उनको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस इनवॉइस के इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपको मुनासिब लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी अपडेट्स होंगी वो अपडेट करता रहूँगा। और मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, कुछ चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, तो अगर मुनासिब लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी डिस्कशन हमारी हो गई है कि हमने इसको क्यों सीखना है, टाइम की नीड है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है और एंड पे डेटा ही रह जाना है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और बाकी चीज़ें आ रही हैं, हर जगह पे डेटा ही डेटा होना है, डेटा एनालिस्ट ही चाहिए बस जो फ्यूचर आने वाला है। तो चलिए, हम ये तो बेसिक सी बातें हमने कर ली हैं, अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये इनवॉइस सिस्टम क्या है और हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, और फिर हम इसको इस सीरीज के एंड पे A to Z डेवलप भी कर रहे होंगे। तो देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इनवॉइस नजर आ रही है, इनवॉइस के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिलेक्ट कस्टमर, इस ये सर्चेबल है। अगर मैं इसमें T लिखता हूँ तो ये T से रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं वो उसने मुझे दे दिए। अब ये T से जो कस्टमर है ना वो एक ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कस्टमर लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे T, तो ये देखें T से एक ही कस्टमर था, तो इस वजह से इसलिए उसने यहाँ पे जब मैंने T लिखा तो उसने ये एक ही कस्टमर शो किया है। अगर मैं यहाँ पे B लिखता हूँ, B से भी एक ही क्लाइंट है। अब ये क्या कर रहा है कि ये मैंने क्लाइंट का नाम, कस्टमर का नाम लिखा है और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका जो एड्रेस है ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रहा है मुझे। उसके बाद ये क्या करता है, ये इनवॉइस का नंबर जो है वो खुद से जनरेट करता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये डेटाबेस में जाता है, वहां पे देखता है कि जो लास्ट इनवॉइस है वो कौन सी थी। तो जो लास्ट इनवॉइस थी वो 47 थी, तो जो नई इनवॉइस है वो 48 होनी चाहिए। तो ये खुद से उसको एक नंबर जनरेट कर रहा है डेटाबेस को देखते हुए। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, अगर मैं बी सर्च करता हूँ तो ये बी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसने वो मुझे शो कर दिए हैं। मैंने कहा कि जिसकी ये क्वांटिटी मैंने परचेज की है इतने प्राइस पे, मैं यहाँ पे ना कुछ ये बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने एक इनवॉइस बना ली है। इस इनवॉइस के एंड पे अगर आप देखते हैं तो आपको उस इनवॉइस का सब टोटल नजर आ रहा है। अगर कुछ टैक्स है तो टैक्स आप यहाँ पे लिख लें, और आपकी जो टोटल इनवॉइस है उसके बाद देखें ये जो इसका ओल्ड बैलेंस है, ये इसने खुद बता रहा है कि इसके ना 3 रुपये पहले भी रहते हैं। तो ये 3 रुपये कहाँ पे रहते हैं, अगर मैं इस क्लाइंट को यहाँ से कॉपी करूँ और ये अपने लेजर बैलेंस मेरी वो शीट है जिसके अंदर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने कितना स्टॉक परचेज किया, उन्होंने उस स्टॉक के अगेंस्ट कितनी पेमेंट की और उनका क्या बाकी रहता है, हमने देना या उन्होंने हमें देना, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ Ctrl+F Ctrl+V, तो ये मेरा क्लाइंट है इकोफॉर्म कनेक्शन। तो ये देखें इसके 3 रुपये बाकी रहते हैं, तो इसने यहाँ पे खुद ही बता दिया कि उसके जो है ना वो 3 रुपये बाकी भी रहते हैं। तो 3 रुपये डाल के पहले जो उसकी इनवॉइस बनी थी वो 12,125 थी, अब उसने 12,128 कर दी है, 3 रुपये उसने खुद से उसमें ऐड कर दिए। तो इस तरह से ये मेरी एक इनवॉइस बन जाएगी। जब ये मेरी इनवॉइस बन जाएगी
अब इस इनवॉइस की एक कॉपी मैंने अपने क्लाइंट को देनी है, तो उसका मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा पीडीएफ। जब मैं पीडीएफ करूंगा तो ये उसने मेरे एक फोल्डर के अंदर इसको सेव कर दिया है पीडीएफ को, और ये मेरी इनवॉइस मेरे सामने आ गई, ये मेरी इनवॉइस मेरे सामने आ गई है। इसका चाहे मैं प्रिंट निकाल के उसको दे दूं यहाँ पे साइन करके, या अगर आपने उसको ईमेल करनी है तो इस पीडीएफ फाइल को आप ईमेल कर देंगे उसको। मजीद ये फाइल जो है ना वो इस फोल्डर के अंदर, ये जो मेरा सप्लाई चेन वाला फोल्डर है, इसमें ये 48 के नेम से यहाँ पे सेव हो गई है। ये देखें, ये वही इनवॉइस है। तो वो फोल्डर का मैंने कनेक्शन दिया हुआ है उसको, उस फोल्डर के अंदर वो जो इनवॉइस है उनको सेव कर लेता है। उसके बाद अब मैंने इस, ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा को मैंने अपनी इस डेटाबेस में स्टोर भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने किया, अब देखें इसमें जो, इसमें ये जो आ रही है ना ये क्वांटिटी, ये 7 है। तो 7 आइटम अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, तो इसने कहा इनवॉइस डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, कि ये जो डेटा है ना ये उधर वहाँ पे इंसर्ट हो गया हुआ है। तो ये देखें, ये 48 नंबर है, इसमें जो 7 प्रोडक्ट्स थी वो यहाँ पे ऐड हो गई हुई हैं। ये उनकी क्वांटिटी थी, ये उनकी यूनिट प्राइस थी, और ये उसकी अमाउंट यहाँ पर डल गई है। तो ये इस तरह से मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक नई इनवॉइस जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूंगा, तो ये सारा क्लियर करके एक नई इनवॉइस जनरेट करने के लिए यहाँ पे चीजें रेडी हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे अगर कस्टमर करता हूँ तो देखें, अब पहले यहाँ पे 48 आ रहा था, अब यहाँ पे 49 आ रहा है, क्योंकि वो खुद से जनरेट करता है, वो डेटाबेस में जाके इसको चेक करता है। तो ये तो इनवॉइस को लेके बात हो गई। अब बेसिकली इसके अंदर जब कोई बंदा मुझे पेमेंट देगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पे आके उस बंदे के नाम के ऊपर पेमेंट डाल देनी है उसकी, कि इसने इतनी पेमेंट की है। और अगर कोई मजीद नई, अभी तक मैंने ये 58 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं, अगर कोई नई प्रोडक्ट इससे हटके आ जाती है तो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। कोई कस्टमर आपका नया कस्टमर आ गया तो वो कस्टमर भी आपने यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि ये आपके डेटाबेस है, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो वो आपने ऐड करनी है, ताकि वो यहाँ पे फिर आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसकी, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ सकें। उसके बाद लेजर बैलेंस है, लेजर बैलेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये मेरी पार्टीज हैं, उनके नाम पे इतनी इनवॉइसेस बनी हैं, और उन इनवॉइसेस के बदले में उन्होंने इतनी पेमेंट की है। पेमेंट, ये पेमेंट वाले सेक्शन में मैं लिख रहा हूँ। तो ये पैसे अभी बाकी हैं, यानी कि जो मेरी इनवॉइसेस अभी तक बनी हैं वो 583 की बनी हैं, और इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो मुझे कलेक्शन हुई है वो 365 की हुई है। 218 जो है ना वो मेरा बैलेंस पेंडिंग है, इनको कॉल करूंगा या इनसे पूछूंगा कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। और यहाँ पे एक सेल ट्रेंड आ रहा है, ये मंथ वाइज मैंने एक सेल ट्रेंड बनाया हुआ है। कोशिश करेंगे कि जब हम फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो इसमें मजीद चीज़ें ऐड कर लें और इसको मजीद कॉम्प्रिहेंसिव कर लें, ये हम कर लेंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट में हम ये बड़ा एक फुल फ्लेज डैशबोर्ड बना रहे होंगे। इसका ओवरव्यू ले लिया है कि हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। इसमें जो एक स्मॉल बिजनेस है ना वो आप फुल फ्लेज इसमें मेंटेन कर सकते हैं आप। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि मेरी तरफ से अलविदा, एंड सी यू इन एपिसोड नंबर 1, वेयर वी विल बी कवरिंग The basics of Excel. Thank you. Goodbye.